एक समय वह न्याय मंत्री की खोज करने के, और पहले के समय में जो भी राजा लोग होते थे वह अपने राज्य की परिस्थिति सिचुएशन को देखने के लिए हर बार राज्य में घूमने जाया करते थे, और लोग भी देश बदल। तो वैसे ही सम्राट अशोक जो है वो चुकर से अपना जो वेश है वो बदल के, वो अगर वेश बदल के नहीं जाएगा तो कोई भी उन्हें पहचान जाएगा और अच्छे से अच्छा बदलने की कोशिश करेगा। हमारे घर पे अगर कोई गेस्ट आता है तो हम उसको अच्छे से अच्छा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही सम्राट अशोक तो एक राजा था, तो राजा को अगर लोग देखते तो उसको अच्छे से अच्छा बताते तो उसे पता ही नहीं चलता कि राजा के आने के बाद हम लोग ये ऐसे कर रहे हैं, इसलिए उसने देश बदल कर चले गए। अब न्याय मंत्री जो होते हैं वो राज्य की पूरी न्याय व्यवस्था को संभालते हैं। तो उसने न्याय मंत्री की खोज करने का एक दिन वह शिशुपाल के घर जाता है। शिशुपाल जो है वहाँ का रहने वाला एक नागरिक है, और वह उसके घर रात को लौटता है। उसी तरह से
मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय मंत्री न राजा देखता है न रब। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए वह प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। अब हम लोग जो जिस सिचुएशन में हैं कि पैसे देकर सब खरीदने की चीज बात होती है, वो चाहे न्याय हो, एजुकेशन हो, कि हर एक फील्ड में, तो अभी जो नई पीढ़ी यानी अब हमारी जो यंग जनरेशन है, वो आप आगे जाकर इस लेसन को समझ कर ये कर पाओ कि आप जो रिश्वतखोरी और ये सब चल रहा है, न्याय की नजर में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। राजा हो या रब हो, अमीर हो या गरीब, वो सब एक समान होते हैं। उसी की बात इस लेसन में समझाई गई है। जैसे सम्राट अशोक है, वो बहुत बड़ा राजा है, शिशुपाल जो है उसको न्याय मंत्री बनाया जाता है। न्याय मंत्री बनाने के बाद शिशुपाल अपना न्याय किस तरह से करता है, उसी के ऊपर हमारा पूरा लेसन है। अब हम उसको डिटेल में शिशुपाल जो है वो अतिथि देवो भव की भावना में मानता था।
अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अब वो उनको दरवाजे से प्रवेश कर जाते हैं और उनकी जो भी फॉर्मेलिटी है, पानी पिलाया, खाना पिलाया और उसको अच्छे से ड्रिंक पीना आदर सत्कार। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करते हैं। अब ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह बोल रहा है
नहीं सकती कि सम्राट ने तुम्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची की शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़क भी लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी की सम्राट का सो है। अब जब कुछ दिन थोड़े दिन चले गए हैं, अचानक से सब बोल रहे हैं कि कुछ भी फरमान आए तो चले, पर राज का फरमान नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ गलती की होगी। अब शिशुपाल बार जो है उसका भी जी जो है एकदम से धड़कने लगा, वो डरने लगा क्या हुआ होगा। उस परदेशी ने तो कुछ ऐसा नहीं बताया होगा कि जो तकलीफ हुई होगी। अब ऐसी तकलीफ में अगर कुछ होगा तो क्या होगा, तो इसलिए वो सोचता है और जाना तो है कि मना तो कर नहीं सकते, और वो दरबार में पहुंच जाता है। आगे क्या होता है? सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? अब वो पहुंच तो जाता है, अचानक से वो देखता है कि सामने कौन था जो उसके घर अतिथि बनकर आया था। वो अरे अब तो बात ही खत्म हो गई, और कहने लगा कि मैंने तो इससे बात ऐसे की थी कि यहाँ पर न्याय ठीक नहीं है। ये वो अंदर से और भी डरने लगा, और सम्राट अशोक बोलते हैं कि आपने न्याय अवसर देना है, अवसर देने का बोला था, तो चलो मैं चाहता हूँ कि आप न्याय। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर वो यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार। शिशुपाल पहले डरे, इतने बड़े देश का न्याय संभालना छोटी बात नहीं है। वो घबराए पर वो रेडी थे, क्योंकि उनको अपने काम में विश्वास था। अगर आप किसी को चैलेंज देते हो तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि जो विश्वास है वो आप में होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि क्या कर रही है, चलो मैं करता हूँ और फिर कुछ भी ना हो, नहीं। शिशुपाल जो था उसने कॉन्फिडेंस का विश्वास था कि वो काम कर सकेगा, और उसने हाँ बहुत ठीक, कल से ही आप न्याय करेंगे, सम्राट ने कहा और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। वह सम्राट अशोक की राजमुद्रा था। अब जैसे भी हम राम या इनके बारे में जानते हैं, कृष्ण के बारे में जानते हैं, तो सूर्यवंशी थे, तो सूरज का जो सिंबल है वो उनकी राजमुद्रा हुआ। राजमुद्रा यानी कि जिसमें एक पर्टिकुलर सिंबल होता है कि आप कहीं भी जाकर वो चीज बताओगे तो वो आपको पहचान जाएगी। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजा बना दिया और उनको अपनी जो अंगूठी थी वह दे दी और उनको न्याय मंत्री बना दिया। कल से उनको बोला कि आप न्याय मंत्री बन चुके हो और आपको से न्याय संभालना है। इस तरह से शिशुपाल न्याय मंत्री बन चुके। यहाँ तक कि हमारी स्टोरी जो है इसको मैं दूसरे पार्ट में आपको फिर से बता दूंगी। इसके दो पार्ट है क्योंकि लेसन है थोड़ा सा लंबा है, इसको अच्छे से समझना है। पार्ट 1 तक ये शिशुपाल न्याय मंत्री बन चुके।